नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और अब एक नजर फटाफट खबरों पर। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। बीजेपी के घाट लोडिया विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बनाया उम्मीदवार। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को जामनगर नॉर्थ से दिया गया टिकट। वहीं हार्दिक पटेल विरमगाम सीट से पहली बार लड़ेंगे चुनाव। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी ने जारी किया घोषणा पत्र। 50 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को होनी है वोटिंग। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को बनाया प्रत्याशी। पहले भी कन्नौज से सांसद रह चुकी हैं डिंपल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार आज से खत्म। आखिरी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में पीएम मोदी समेत उतरे बड़े दिग्गज। संजय राउत ने जेल से रिहाई के बाद मीडिया से की बात। देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर सबको चौंकाया राउत ने कहा नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी जल्द करेंगे मुलाकात। पंजाब के फरीदकोट में 13 सच्चा सौदा के अनुयायी और बरगारी बेअदबी की घटना के आरोपी युवक की हत्या। अज्ञात बाइक सवारों ने मारी गोली। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली हत्या की जिम्मेदारी। 2 दिनों में लगातार चौथी बार महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। गुरुवार सुबह अरुणाचल प्रदेश में आधे घंटे के अंदर 2 बार हिली धरती। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य लालू को करेंगी किडनी डोनेट। कुछ दिन पहले इलाज के लिए सिंगापुर गए थे लालू। जांच के बाद डॉक्टरों ने दी थी किडनी ट्रांसप्लांट की स्वीकृति। छावला गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को पलटते हुए 3 दोषियों को किया था बरी। परिवार ने फैसले पर जताई थी आपत्ति। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने आज 2 और आरोपियों को किया अरेस्ट। आरोपी शरद रेड्डी और विनय को किया गिरफ्तार। मुंबई में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी। आतंकवादी ड्रोन और छोटे एरोप्लेन से दे सकते हैं वारदात को अंजाम। मुंबई पुलिस ने जारी किया अलर्ट। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली एसजी विनय सक्सेना को लिखा एक और पत्र। पत्नी सहित दिल्ली से बाहर जेल में ट्रांसफर करने की मांग। आप नेताओं पर धमकी और दबाव का लगाया आरोप। कानपुर में बायोमेट्रिक जांच के दौरान अग्निवीर परीक्षा में पकड़ा गया फर्जी अभ्यर्थी। पुलिस ने गिरफ्तार कर जालसाजी की धाराओं में दर्ज किया मामला। असम मेघालय सीमा वार्ता का दूसरा चरण नवंबर के अंत तक शुरू होने की संभावना। मेघालय के मुख्यमंत्री के संगमा ने कही बात। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर जिले में संदिग्ध नक्सलियों ने पुलिस जवान की गोली मारकर कर दी हत्या। रेखा घाटी शिविर में पदस्थ थे आरक्षक नेवरू बेंजाम। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी गौतम नवलखा को घर में नजरबंद रखने की दी अनुमति। नवलखा ने खराब स्वास्थ्य और बुढ़ापे को लेकर शीर्ष अदालत से किया था अनुरोध। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 हफ्ते बाद करेगा सुनवाई। मामले में केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक नहीं किया गया कोई जवाब दाखिल। कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष उस्मान घनी ने कही ये बात। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। अदालत कल सुना सकती है फैसला। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन ने लिया बड़ा फैसला। इंडोनेशिया में अगले हफ्ते होने वाले G20 समिट में नहीं लेंगे हिस्सा। UIDAI ने जारी की नई गाइडलाइंस। 10 साल में एक बार आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा अनिवार्य। अपडेट नहीं कराने पर बंद होगी सर्विस डिलीवरी। G20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत की शर्मनाक हार। इंग्लैंड ने 10 विकेट से रौंदा पाकिस्तान से। फाइनल में भिड़ेगा इंग्लैंड।
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मां बनने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बेटी के साथ लौटे घर। कपूर परिवार में खुशी का माहौल। और गुरुवार को सोने की कीमतों में आया उछाल। 119 रुपए की तेजी के साथ 51,625 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। वहीं चांदी 78 रुपए टूटकर 61,607 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची।